2013 का 3 नंबर का बहुत हल्का क्वेश्चन। देखो बहुत हल्का मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है, लेकिन ये एक लाइन का तभी हो पाएगा जब आपको पता होगा। क्या पता होगा? ये पता होगा भाई हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। और हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा कोट थीटा के। कोट थीटा के दो आइडेंटिटी, और तीसरी आइडेंटिटी देखो हमें ये भी पता है कि कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 की। और चौथी आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 की। देखो ये 4 आइडेंटिटी यूज कर पाइए इसमें बहुत स्मार्ट तरीके से। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि यार देखो ये आइडेंटिटी कैसे हुई है। देखो ध्यान से हमें पता है, क्या पता है जी भाई? देखो हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे? तो लिख लेते हैं टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले लो ठीक है। एलएचएस जो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ठीक है। तो इसको ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा, ये ब्रैकेट बंद और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। तो यहां से पता है अभी हम मैंने आइडेंटिटी लिख के दी थी आपको क्या होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? टेन थी कोट थीटा, क्या लिख सकता हूं? कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहां जाता है और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हमारा हिस्सा प्रूफ हो गया ठीक है। तो मतलब किसके बराबर आएगी भाई? 1। इसी तरह से टेकिंग आरएचएस, आरएचएस ले लेते हैं। तो RHS किसके बराबर है भाई? दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको फिर से ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है, का होल स्क्वायर। और हमें पता है भाई अभी लिख के दिया था मैंने आपको आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, मतलब कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है? 1। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। समझ में आई? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने आसानी से उसने आपसे 4 आइडेंटिटी यूज करवा दी। आपको पता ही नहीं चला होगा कि आइडेंटिटी 4 कैसे दी होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा, आप चाहते तो मैं एक लाइन में कर देता, लेकिन आपका पेपर कैसा है? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पेपर में हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ना बेटा। कहीं आपको कि सर कमेंट सेक्शन में बच्चे बोलते हैं कि कई सर दूसरे सर ने तो बहुत आसानी से करवा दिया, एक लाइन में करवा दिया। अरे बेटा 3 नंबर का है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से करो। मैं भी इसको कर सकता हूँ एक लाइन में, लेकिन क्या फायदा जब आपका पेपर सब्जेक्टिव है? तो आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करो ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 50-60 क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल चुका हूं। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हो तो चैनल पे जाना, ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।